हेलो गाइस, तो गाइस देखो, आज हमारे कट रहे हैं कुछ पेड़। जो हमारा पहले जो घर में बढ़ते हुए पेड़ होता है वो कट गया है, और अब है इसकी बारी। ये है गाइस कदम का पेड़, तो अब ये भी कट जाएगा। तो आज हमारा घर खाली खाली हो जाएगा, पेड़ कट जाएंगे। पेड़ ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे थे और सर्दियों में धूप नहीं आती है, तो इसलिए हम पेड़ कट रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपने रूम में, जिसमें हमारा खेतों का सामान रहता है। तो ये अभी हमारी सफाई नहीं हुई है गाइस। देखो पेड़ काटने वाले कैसे काट रहे हैं। नीम का पेड़ काट दिया इन्होंने, अब बेचारे कदम के पेड़ की बारी है। ये भी ढह जाएगा अब। सही कर दिया, टहनी तो इसकी तोड़ दिए गाइस। अब बस ये नीचे से और काटना है। देखो कैसे हंस रहे हैं ये बेचारे पेड़। हेलो गाइस, तो गाइस देखो, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना इतना काम कर लिया है। सब्जी भी बना दी आलू टमाटर की, और चाय भी बना ली है, दूध वूध, और सारा मेरा काम हो गया है। देखो ये दोनों चूल्हे हमने यहाँ कर दिए गाइस, और यहाँ ये साफ़ सफाई हो रही है मम्मी जी की। तो यहाँ हमने अपने पेड़ काटे थे, हमारे पेड़ कट गए। कदम का यहाँ सामने था वो भी काट दिया। तो यहाँ ये पेड़ हो रहे थे, तो मम्मी ने ये नीचे करे हैं, और दलिया हमारा बन गया है, रोटी भी बन गई है गाइस। हमारा सारा काम हो गया है। तो जैसे कि आप जानते हो कि कल की धनतेरस है, तो हमने पहले ही ये लगा दिए, और कुछ सामान आएगा धनतेरस पे, वो मैं आपको कल दिखा दूंगी जब आएगा गाइस साथ के साथ। और ये गाइस हमने खाना खाया था, यहाँ भी ये बर्तन फैले हुए हैं, यहाँ से मैं इसे साफ़ करती हूँ गाइस। देखो एक हमने यहाँ लगा दिया। तो गाइस कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं ये। और आज हम इस कमरे को सोच रहे हैं करने की सेट, की बेड वेड सही करते हैं, सेफ वेप सही करते हैं इस रूम की। तो दीदी गई हैं दूसरे रूम में सफाई करने। तो गाइस हमारे घर में दो रूम रह रहे हैं साफ़ करने के लिए, और जबकि देख लो हम 8-10 दिन से लग रहे हैं गाइस सफाई में। तो उधर मैं जा नहीं सकती जहाँ दीदी सफाई कर रही हैं। और देखो गाइस मेरे लड्डू गोपाल जी, मैं दूध ले जाती हूँ, जोत मैंने बहुत पहले कर ली थी, अब लड्डू गोपाल जी का भोग मैं पी लेती हूँ। और बहनी देखो कैसे शो रही है मेरी लाडो। और गाइस मैंने मशीन अब लगाई है, क्योंकि आपको मैंने सुबह ही दिखा दिया था पेड़ काटने वाले आए हैं, और वो अपने पेड़ काट कर ले गए हैं। ये कबाड़ छोड़ गए हैं, जो कि हमें साफ़ करना होगा। पापा जी और मम्मी जी लग रहे थे इसमें, अब उनका दूध काटने का टाइम हो गया, तो वो मम्मी जी दूध काट रही हैं। और मैंने मशीन लगा ली कपड़े धोने के लिए, क्यों कल फिर ज़्यादा हो जाते। और मम्मी जी हैं दलिया रख कर गई हैं, तो इस दलिया को मैं चला देती हूँ गाइस। अब थोड़ा ही दलिया बनता है बस, छोटी सी बच्ची है उसके लिए, वो नियार नहीं खाती। और गाइस हमारी सुबह बैंगन के भरते की रखी है सब्जी, और हम बनाते हैं अब चटनी। चटनी के लिए मैंने हरी मिर्च प्याज ये काट दिए हैं गाइस। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, और आप सोच रहे होगे कि मैंने सब चेंज करके मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ कान की दवाई लेने, क्यों मेरे कान में काफ़ी दिन से बहुत ही दर्द है, तो आज मैं जा रही हूँ दवाई लेने गाइस रास्ते में। और गाइस मम्मी जी यहाँ सफाई कर रही हैं, कि दिवालिया, हमने तो अपने इधर की सफाई कर दी। और देखो वो गाड़ी लेकर खड़े हैं, तो हम चलते हैं गाइस। 5 बजे डॉक्टर उठ जाता है, तो अब तो गाइस मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, और दीदी गई हैं वन्य को लेने। पापा जी बोल रहे हैं कि वन्य को साथ ले जाओ। तो गाइस हम जा रहे हैं, अभी हमने गाँव पार नहीं किया है, यहाँ आए हम फाटक पर। फाटक पे, फाटक पे, फाटक पे। एक मोटरसाइकिल पे तो गिरते ही है, बैग बैग भी ले रखे हैं, बैग भी हैं, दो लेडीज हैं, दो बालक हैं। ओहो लगी तो ना दिख है सारे। तो गाइस अब बस थोड़ी ही दूर पे है हमारा हॉस्पिटल, यानी कि कानों का डॉक्टर। तो बस हम पहुंचने ही वाले में हैं, इसी हाथ पर है गाइस। और अब हम अपनी गाड़ी को वापस ले रहे हैं, क्योंकि दवाई मैंने ले ली है गाइस,
यहाँ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी तो मैंने यहाँ ब्लॉग नहीं ले पाई मैं। तो गाइस ये जो दुकान है आप देख रहे हैं इन्हीं में ही डॉक्टर की दुकान है एक, यहीं से मैंने दवाई ली है। तो अब हम चलते हैं गाइस, शाम को ज़्यादा भीड़ लग जाएगी दिवाली की वजह से, तो टाइम से ही अपने घर पहुँचते हैं। तो गाइस भूख लग रही थी तो हमने ये बर्गर खा लिया और साथ में गाइस हमने ये मूँगफली ली है मम्मी जी के लिए क्योंकि उन्हें पसंद है नमक की मूँगफली। तो गाइस आज जाते हैं हम अपने घर। तो वान्या को भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, तो मैं वान्या को दूध पिलाती हूँ और गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तो गाइस कल बताऊँगी मैं आपको न्यू रेसिपी, आज मैं आपको नहीं बता पाई। तो गाइस कल मिलते हैं।